हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं राधे यो मोस्ट वांटेड भाई के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाई की फिल्म राधे यो मोस्ट वांटेड भाई आज रिलीज हो चुकी है G5 के प्लेटफॉर्म पे। और भाई ने राधे से पहले कुछ इस तरीके की फिल्में बनाई हैं और हमें इस तरीके की फिल्में देखने को मिली हैं। और गाइस, एक बात तो आप भी मानोगे कि एक ही गलती को करना ट्वाइस और खान्स की स्क्रिप्टों की चॉइस सबके समझ से बाहर है। पता नहीं वो इस तरीके की स्क्रिप्ट क्यों चुनते थे। खैर, अगर बात की जाए राधे के बारे में तो इसमें आपको सलमान खान, रणदीप हुड्डा, दिशा पटानी और जैकी श्रॉफ मेन कैरेक्टर में नजर आएंगे। आप लोगों में से बहुत लोग शायद ये बात नहीं जानते होंगे कि राधे दरअसल एक साउथ कोरियन क्राइम एक्शन फिल्म द आउटलॉज की हिंदी कॉपी है। इस फिल्म की बात करें तो इस फिल्म में आपको ज़बरदस्त एक्टिंग देखने को मिलेगा रणदीप हुड्डा की तरफ से, जिन्होंने क्रिमिनल का रोल निभाया है और बखूबी रोल निभाया है। आप उनके रोल को देखकर कहोगे कि ये अपने रोल के साथ पूरी तरीके से जस्टिस कर पाए हैं। वहीं हम लोग बात करें सलमान खान के बारे में, जो कि फिल्म में मेन किरदार निभा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको डायलॉग्स में कमी, पंच लाइन्स में कमी देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि सलमान खान और दिशा पटानी की जोड़ी आपको कुछ ज़्यादा पसंद ना आए। ये इसलिए हो सकता है गाइस, क्योंकि उन दोनों के बीच का एज का गैप काफ़ी ज़्यादा है और ये साफ देखने को आपको फिल्म में मिल जाएगा। गाइस, ये फिल्म एक बार देखने के लिए काफ़ी सही है। हालांकि ये बात भी सही है कि फिल्म के कुछ सीन्स में गाइस आप बोर फील कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप ये फिल्म एक बार ज़रूर देखिए। अगर हम बात करें गाइस इस फिल्म की एक्शन के बारे में, तो गाइस इसे काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन करने की कोशिश की गई है। और गाइस, आपको एक्शन देखने में मज़ा तो आएगा, लेकिन कहीं कहीं आपको ये भी लगेगा कि इसमें कुछ ना कुछ कमी रह गई है। और आपको ये फिल्म कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताएं। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें।